taking a very prompt action and with the aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. The ministry is committed to ensure student interest at all levels. आज दो स्टेटमेंट देने के लिए आपको बुलाया गया है और कुछ इश्यू भी रहेंगे। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर क्वालिटी सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को CBI को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मैं एक बात को दोबारा रिट्रेट करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट एट ऑल लेवल एंड मिनिस्ट्री डज नॉट एंड विल नॉट हेजिटेट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनीवन इफ फाउंड इन्वॉल्व इन एनी मैटर विच इंडिकेट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। धन्यवाद। So now we'll have the question and answer session. Please just introduce yourself before asking. One at a time. One by one. नीरज पांडे एडिटर। मेरा सवाल आपसे ये है, एनटीए को किस प्रकार के इनपुट मिले थे और क्या एनटीए के कुछ ऑफिसर्स या उनके कर्मचारियों का भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है या कुछ कोचिंग संस्थानों का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है आपको? इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर एंड चेक एंड पॉसिबल कोलिजन एट एनी लेवल। वी आर अगेन सेइंग कोलिजन एट एनी लेवल, इफ फाउंड वी आर वेरी मच रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी वन, बट ये मैटर अभी CBI को गया है। वी शुड वेट फॉर देयर रिपोर्ट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्लीज। मदन जी जस्ट अ सेकेंड। आप पूछिए। शांत हुए टीवी से। आपने कहा कि टेक्निकल नेचर के इनपुट्स थे, क्या पेपर लीक की शिकायत मिली है और दूसरा किस इलाके से मिली है इस तरह की शिकायत, अगर आप बता पाए देश के किस इलाके? जस्ट एंड सप्लीमेंट्री, यू कैन जस्ट गिव अस फ्यू मोर डिटेल्स ऑन द नेचर ऑफ दिस टेक्निकल इनपुट्स। इज इट इन द नेचर ऑफ पेपर लीक या कोई चीटिंग अनफेयर मींस? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ये जब पेन पेपर टाइप का एग्जामिनेशन था नहीं, ये वाला नेट का, तो साइबर ने आपको इनपुट के साथ हाथ कर दिया, मतलब उसका क्या मतलब हुआ? इससे कार्यक्रम में क्या इन दोनों बातों का? देखिए, जो I4C है इट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी भी तरह के आपके जो कम्युनिकेशन है कुछ है उससे कुछ इंडिकेशन मिले थे, लेकिन चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया है, एट दिस लेवल इफ यू डिस्क्लोज एनी डिटेलिंग इट मे कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन। सो और यह मुझे विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर डिटेल को ज्यादा डिस्क्लोज किया गया तो इट में अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मदन जी आप जो फ्रॉम मलयालम। सो ऑन 14th ऑफ जून देयर वाज सम ट्विटर हैंडल्स यू नो सबसेक्वेंट सेड दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ पेपर लीक ऑन द यूजीसी नेट एग्जाम एंड द टेलीग्राफ चैनल्स आर यू नो शोइंग दिस काइंड ऑफ
asking for money and giving the papers and everything. Whether Ministry of Education or NDA got any kind of information on that date? मैं आपको वही दोबारा बता रहा हूँ कि चूंकि एग्जाम अच्छा फोर्थ डे बिफोर 14th of June. सी व्हेन आई सेड कि प्राइमा फेसी वी हैव फाउंड दैट एग्जामिनेशन मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज सो दैट शुड बी इनफ टू इंडिकेट रेस्ट डिटेलिंग वी कांट डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थैंक यू वेदर एनी एक्शन टेकन ऑन दैट टाइम सर ऑन द 14th ऑफ जून आफ्टर दिस ट्वीट हैपेंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दे सी नोबडी हैज कंप्लेंड The agency itself taken action. That I4C itself has taken action and called those kind of that input and they shared with us. That's why we have taken action. Ravi from Ravi, आप पूछेंगे. मैं रवि न्यूज़ 18 इंडिया से. NTA की तरफ से दोनों एग्जाम लिए गए थे नीट और नेट. तो NTA के लेवल पे कहीं से आपको लग रहा है कि खामी रही क्योंकि सवाल NTA को लेकर खड़े हो रहे हैं. देखिए हम किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक प्रॉपर एविडेंस को चेक करते हैं. आप सभी जानते हैं कि देयर ह्यूज मैकेनिज्म इन्वॉल्व. एनटीए का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बाद सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कई परीक्षा सेंटर्स में उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं. किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए. वी आर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ताकि किसी बच्चे का भविष्य कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. दैट इज आवर इंटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, drawing the conclusion, it depends upon the investigating agency. Right, now we go to the right side. Arvind ji, aap. मेरा सर सवाल ये है कि NTA जो है परीक्षा यूनिशिनेट की कराई है, इसमें क्या किसी प्राइवेट एजेंसी की आपने मदद ली थी कि NTA खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से करवा रही है? सिर्फ मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं. ये एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी होता है, मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं. मेरा सवाल है कोई प्राइवेट इसमें प्लेयर इसमें इन्वॉल्व था कि एनटीए खुद अपने लेवल सब पूरा अरेंज करवा रही है? एनटीए ही अरेंज करवाता है. देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर हु सपोर्ट दैट होल एंडेवर. नहीं, इसमें आ रहा है कोई प्राइवेट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है ऐसा आप? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं. दैट वी डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ दैट. ये जो एग्जाम है हर साल 2018 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. This year, pen and paper, OMR sheet, if you can tell us why that happened and could that in any way be related, did that make it any easier for the exam to be copied? इसी में सेम चीज में एक चीज और जोड़ना है कि इस बार जो सेंटर्स पढ़े थे उन पर मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हुए. जैसे कोई एक सेंटर अभी हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भोपाल का मिला, तो एक सेंटर था उस पर केवल जर्नलिज्म का पेपर था, जबकि पहले का तरीका यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे उस सेंटर पर रहते हैं. तो एक ही सब्जेक्ट का होने से तो कंप्रोमाइज होने की गुंजाइश ज्यादा है. सर एक ही चीज इसमें और ऐड की पिछले महीने ही बच्चों को पता चला कि उनको इस बार ऑफलाइन एग्जाम देना. पहले जब वो फॉर्म भर रहे थे इस परीक्षा का तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है. देखिए 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए गए थे इसमें, उसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है और जो भी स्टेप लिए गए थे एनटीए के द्वारा पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके. बट अगर कोई इश्यू है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज एट वेरी प्राइमा फेसी लेवल. गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप, नथिंग शुड बी कंक्लूडेड एट दिस लेवल. बट क्या स्टेप है, क्या उसमें फैक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. नहीं सर, ये जो फॉर्मेट बदला गया है उसका क्या? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? यू सेड इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन? मतलब कंप्यूटर बेस्ड का क्या एक्सपीरियंस खराब था कि पेन एंड पेपर करना पड़ा? खराब नहीं था. सी एक्सपीरियंस वॉज नॉट बैड. द मैटर इज हाउ कैन वी कैन फर्दर इम्प्रूव. सी एवरी लर्निंग गिव्स अ इंडिकेशन कि यू कैन इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट. जब आप पेन एंड पेपर लाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स की इश्यू भी आते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में लेना चाहिए. सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनपुट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, एवरी इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन एंड दैट्स वाई एवरी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व. आप देखिए एनटीए जो ऑल्सो न्यू एजेंसी 2019 से काम कर रही है, फोर ईयर एक्सपीरियंस, दे आर कंडक्टेड मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर है. फर्स्ट गांव का है विच वी आर अबाउट टू क्रॉस. इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक इनपुट फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर, स्पेशली स्टूडेंट्स. सो एवरी एग्जामिनेशन वी इम्प्रूव बेस्ड ऑन द इनपुट रिसीव फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर. सो दैट वी हैव टू कंसिडर. कई बार आप इनपुट लेते हैं एंड देन यू चेंज द पैटर्न एंड देन द सिस्टम. अगर आपको दूसरा दोज थिंग्स शुड नॉट बी लिंक्ड. नो, आई एम नॉट सेइंग आप लिंक करिए. मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब हम कोई कहीं जा भी रहे हैं तो दैट्स वाई समटाइम हम किसी भी तरीके से अपना मैकेनिज्म को चेंज करते हैं. एवरी एजेंसी इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस दे कंडक्ट द एग्जामिनेशन. बट इफ एनी एक्सीडेंट हैपन दैट शुड नॉट बी कंप्लीटली एट्रीब्यूटेड टू दैट चेंजर. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट व्हाट आर द प्योर रीजन पॉइंट वाइज पॉइंट एनटीए विल कैन एक्सप्लेन इन लेटर ऑन. बट दैट्स व्हाट माय रिप्लाई ऑन दिस एस्पेक्ट. ये पेपर लीक किया जा रहा है तो क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली है और क्या इस विषय पे जांच किया जा रहा है? Every day we receive so many information. आपने रिसेंटली ये भी एक देखा था किसी का टाउन पेपर को फटने की बात आई थी, वो भी मैटर कोर्ट में गया था. एवरी द इशू इज दैट आवर रिएक्शन वेदर इट इज कमिंस्ट्रेट टू द फैक्ट और नॉट. अगर आपको कोई बीमारी है तो आप 500 एमजी के पैरासिटामोल लेंगे कि डायरेक्ट 2000 एमजी के लेंगे? दैट प्रपोर्शन वी हैव टू मेंटेन. सो वी रिसीव एवरी डे सो मच इन्फॉर्मेशन एंड द मिनिस्ट्री टेक एक्शन बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ दैट इनपुट. Every input or every information cannot be attributed for the fully reaction. और जब किसी भी input में हमें gravity दिखाई दी, हमने तुरंत action लिया. किसी ने आकर complaint नहीं किया UGC की नेट के examination में. तो ये बात हमको समझना चाहिए कि reaction cannot be done at every point of time or for every input or for every allegation. We are ensuring that reaction is 100% commensurate to the input, gravity of the input and the as well as the credential, source credential is also a very important factor when we take decision. So that is the... Sir, Kundan, just a second please. Kundan. Ma'am, एक बात बताएं कि एक सर एक बात बताएं कि जैसे कि नेट में आपको पता चला और साइबर सेल से इनपुट भी आया, क्या नीट को लेकर भी कोई एमएचए के साइबर सेल ने आप लोगों को कुछ इनपुट दिया है क्या? देखिए नीट का देयर सेवरल इश्यूज, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए. एक ग्रेस मार्क का इश्यू था, दूसरा आपका एलिज्ड है कि बिहार में कुछ ऐसा हुआ, दैट एलिगेशन इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन. तीसरा था जो गुजरात में अबाउट एलिगेशन मेल प्रैक्टिस. दीज आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ इशू. ग्रेस मार्क का इशू हैज बीन कम्प्लीटली एड्रेस. नाउ द अनदर इशू इज रिगार्डिंग एलिज्ड लीक इन द बिहार, दैट बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज ऑलरेडी डूइंग द इन्वेस्टिगेशन एंड देर आर मेनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द कंट्री. Many police agencies are there, many CIDs are there, premier national investigating agency hai. So when Bihar is doing investigation, we are relying on their input and we have sought detailed input. Kaafi unhone information mangi hai, NT ne share kiya hai, ministry has also sought detailed information from them. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action and that action will be completely commensurate to the input which they provide, because we should leave all this matter to agency who is having competency to investigate the matter. See, we are completely aware that these examinations are aligned with the semester and the students who are about to appear into PhD or any eligibility test. And we will take cognizance of all the factors to ensure student interest at all level. Kisi bhi student ka interest compromise na ho paaye. If there will be any changes, that will also reflect into the consequential impact or consequential event which happen in the calendar year. So that we will ensure. आप उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड दैट अगर किसी एग्जामिनेशन के कैंसिल की वजह से कोई कमिस्ट्रेट कॉन्सिक्यूटिव एक्शन होता है तो वी विल इंश्योर कि स्टूडेंट का आगे भी हित उसे कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. एंड एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस वेरी सून.